हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। दोस्तों, फाइनली आज हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं कटकमसांडी रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ से कौन सी ट्रेन कब जाती है, कहाँ से आती है, वो इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कटकमसांडी रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और हम आप लोगों को दिखाते हैं पूरा सीन, तो इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने बचपन में जब ट्रेन नहीं देखा था तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा होता था कि मैं ट्रेन कभी देखता तो अच्छा रहता। और मैंने दोस्तों ट्रेन से सफ़र भी कर लिया। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेन का पटरी है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों, कभी भी आप रेलवे स्टेशन आते हैं तो पटरी पर ना घूमें, क्योंकि दोस्तों कभी भी ट्रेन आ सकती है और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और ये काफी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ पे मालगाड़ी ट्रेन लगा हुआ है, ये देखिए काफी लंबा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वाह। दोस्तों, जो भी ट्रेन में सफर नहीं किए हैं उनको लगता होगा कि काश हम भी ट्रेन में सफर करते। और ये देखिए, और आप लोगों को हम दिखाएंगे दोस्तों कि यहाँ से ट्रेन कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और कब आती है, ये पूरा प्रश्न हम वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, पूरा करीब से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। और ये पूर्व मध्य रेलवे है। और आप लोगों को हम और भी कुछ दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कौन सा जगह का कितना किराया लगेगा, वो पूरा तरह से यहाँ पे बोर्ड बनाया गया है, ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं। पद्मा का 30 रुपया है, बूढ़ागढ़ा का 30 रुपया है, बरही का 30 रुपया है, मतलब पूरा तरह से इसमें लिस्ट बनाया गया है, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग आते हैं और आपको पूरा तरह से जानकारी ना हो तो ये बोर्ड देखकर जानकारी ले सकते हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों ट्रेन का चक्का, ये देखिए दोस्तों, पूरा तरह से स्टील का बनाया गया है, ये देखिए दोस्तों। कभी भी आप रेलवे स्टेशन आते हैं तो ट्रेन से कभी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी मौत भी हो सकती है, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ पे बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया है, ये देखिए दोस्तों। इस रेलवे स्टेशन में यात्रीगण के लिए काफी सुविधा किया गया है। और यहाँ से हजारीबाग जाती है ट्रेन और कोडरमा जाती है, कहीं भी सफर कर सकते हैं आप दोस्तों। ये देखिए काफी लंबाई है ट्रेन का, और यहाँ पे लगता है कि ट्रेन कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर जे भी हुआ गा, इसलिए यहाँ पे ट्रेन खड़ा है, ये देखिए दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों पूरा तरह से नजारा, ये देखिए। तो दोस्तों हम आप लोगों को ऊपर से सीन दिखाते हैं दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन कैसा लगता है दिखने में, तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग जब भी रेलवे स्टेशन आए तो अपनी सामान की स्वयं रक्षा करें और पूरा तरह से ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों रेलवे स्टेशन में चोरी भी होता है। तो चलते हैं दोस्तों, ये सीढ़ी के माध्यम से हम आप लोगों को ऊपर जाकर दिखाएंगे, ये देखिए दोस्तों काफ़ी ऊंचाई में स्थित है। और ये सीढ़ी का रंग जो है से लाल किया गया है पेंट, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है देखने में, ये देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये देखिए बगल में गांव स्थित है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों, ये देखिए वाह कितना नज़ारा मस्त है दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ट्रेन का पटरी, जो कि पूरा तरह से स्ट्रेट में है, स्ट्रेट में कहा जाए तो पूरा तरह से सीधा होता है और ट्रेन का पटरी सीधा ही होता है। तो देखिए दोस्तों,
और ये सीधे हजारीबाग रेलवे स्टेशन जाता है दोस्तों। तो आप लोग कभी आकर यहाँ से सफ़र कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और दिखाते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो है इधर का, ये सीधे कोडरमा जाता है। और आप लोगों को हम और भी सीन दिखाते हैं, देखिए दोस्तों ऊपर से हम आप लोगों को दिखाते हैं ट्रेन। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में, ये देखिए। और इसमें अभी कुछ है नहीं, पूरा तरह से डब्बा खाली है, ये देखिए पूरा तरह से खाली है। और दोस्तों हम लोग आप और भी सीन दिखाते हैं, आप लोगों को ट्रेन का पटरी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी उधर से हम लोग सीढ़ी चढ़े थे और इधर से उतर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ट्रेन का पटरी। दोस्तों ये ट्रेन का पटरी देखकर आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा जगता होगा कि काश हम भी ये जगह पे आते हैं और ट्रेन से सफ़र कर पाते हैं। तो दोस्तों सबका समय आता है और वो सफ़र करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ये सीधा हजारीबाग रेलवे स्टेशन जाता है और इधर से कोडरमा रेलवे स्टेशन जाता है, जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे आकर सफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा तरह से गिट्टी दिया हुआ है। दोस्तों मैं सबसे बड़ी सूचना ये देना चाहता हूँ कि कभी भी आप रेलवे स्टेशन आए तो पटरी पर ना घूमें, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार के आपको क्षति पहुँच सकता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। मतलब यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में, और यहाँ पे चबूतरा भी बनाया गया है लोगों को बैठने के लिए, और काफ़ी अच्छा है। ये व्यवस्था देखकर काफ़ी खुशी भी होती है कि यात्रीगण के लिए इतना सारा व्यवस्था किया गया है। और दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं मालगाड़ी ट्रेन आ रही है हजारीबाग रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना मस्त नज़ारा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और ट्रेन की चक्का किस तरह चलता है वो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का नज़ारा। और काफ़ी लंबा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा तक है गया, ये देखिए दोस्तों। और आप लोगों को इधर का सीन दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ऐसा नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि वाह क्या ट्रेन है। दोस्तों हम लोगों का जब बचपन होता था तो ट्रेन पर बैठने के लिए काफ़ी जिज्ञासा होता था, लेकिन दोस्तों मैंने आज ट्रेन देख लिया और ये काफ़ी अच्छा ट्रेन है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, और ये धीरे धीरे स्पीड हो रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। और इसमें पूरा तरह से कोयला लदा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों जब भी ट्रेन आती है तो इसके नज़दीक ना जाएं, इससे खिलवाड़ ना करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी जान भी जा सकती है, आपकी बहुत ही समस्या हो सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरा तरह से ट्रेन रुक चुकी है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ट्रेन में ब्रेक बहुत ही कम लगता है और बहुत ही
सचेत के रहना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आप ट्रेन में ब्रेक लग चुकी है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ट्रेन पूरा तरह से रुक चुकी है दोस्तों। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा है लगा रेलवे स्टेशन। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ किस टाइप में आता है, मुझे डर भी लग रहा है बहुत। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, दोस्तों ट्रेन के नज़दीक कभी ना जाएं, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपको कभी भी समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा सचेत करता हूँ कि आप ट्रेन के नज़दीक ना जाएं, हमेशा अपने सुरक्षा में रहें। ये देखिए दोस्तों, मुझे तो ट्रेन की आवाज़ से डर लगती है। ये देखिए, आपने कभी सुना होगा दोस्तों कि ट्रेन से कितना का मौत भी हो जाता है, इसलिए इससे सचेत रहें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और ये ऊपर से वायर गया है।